नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित सर, विस्तार फाउंडेशन और विस्तार इंस्टीट्यूट जबलपुर से। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि आप कितने परसेंट फियर के शिकार हैं अगर आप अपने कैरियर में कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके कैरियर का सबसे बड़ा दुश्मन कुछ और नहीं, फियर ही है। आपके मन में बहुत सारे फियर्स बने रहते हैं, जैसे मुझसे ये प्रोग्रामिंग नहीं होगी, मुझसे ये कोर्स में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या मैं जॉब पा पाऊंगा, क्या मेरा कहीं पर सिलेक्शन होगा, क्या इस कोर्स को करने के बाद मेरा कैरियर बनेगा, क्या मेरी फीस व्यर्थ जा रही है, क्या मुझे मेंटर अच्छे मिलेंगे। आपने अपने मन में पता नहीं कितने फियर बना के रखे, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचे तो आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल दो चीज़ों पर केवल ध्यान दीजिए। पहला, आप ये देखिए कि जो कोर्स आप कर रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल आप कर रहे हैं, वो स्टडी मटेरियल आज के जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। कि सबसे पहली गलती आप यही करते हैं कि आपका कोर्स मटेरियल पुराना रहता है और आप उससे आज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बात करते हैं। तो आज के कोर्स मटेरियल को देखिए आप, अगर आज का कोर्स मटेरियल आप पढ़ रहे हैं या आपकी तैयारी आज के हिसाब से है तो फिर आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि नौकरी तो है। मार्केट में कभी भी जॉब की रिसेशन इतनी जल्दी नहीं आता है। और कोई ऐसा सेक्टर अगर आप टारगेट करें जिस सेक्टर में आप कह रहे हैं कि जॉब एकदम है नहीं, तो ऐसा है नहीं, जीरो सेक्टर कुछ होता ही नहीं है, हर सेक्टर में जॉब है। तो पहले आप कोर्स का सिलेबस आप देख लो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपने मेंटर जो है वो अच्छा चुने। देखिए, कोई भी कोर्स आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपका मेंटर अच्छा होगा। और ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अगर कोई मेंटर समझ में नहीं आता तो भी हम उसके पास जस्ट समय हम पास करते हैं, हम फीस पेमेंट करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें कुछ भी अल्टीमेट समझ में नहीं आ रहा है। तो मेंटर का सही चयन आपको करना पड़ेगा। अब मेंटर का सही चयन जो है, ये तभी आप कर पाएंगे जब आप अपने जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स से एक्चुअली जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अपने गुरु भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और आज आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स अवेलेबल है। तो आपने किसी भी कोर्स मटेरियल को जो आप कोर्स कर रहे हो उसको आप हल्का मत समझिए। हर कोर्स में कैरियर है, बस सिलेबस और मेंटर का खेल है। और थर्ड एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान रखना, वो है आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे निकलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अमित सर, विस्तार फाउंडेशन, विस्तार इंस्टीट्यूट जबलपुर से। ऐसे और भी ज्ञानवाचक वीडियो के साथ मैं मिलूंगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।